Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about top 10 BSc courses in medical without NEET after 12th class. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और अगर किसी भी कारण की वजह से आपका NEET का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल की फील्ड में बहुत सारे ऐसे बैचलर्स लेवल पे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं और मेडिकल के फील्ड में अपना जो आपका एक ड्रीम था काम करने का उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से कोर्सेज हैं इन पे ही जो है हम लोग वन बाय वन यहाँ पे इन डिटेल आज बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी कोर्स। सेकंड जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स और थर्ड जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीएससी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कोर्स और इन तीनों ही कोर्सेज में से सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो है बीएससी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कोर्स का अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें। इसके बाद बीएससी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी कोर्स है, उसके बाद जो है बीएससी इन ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स है, उसके बाद जो है बीएससी इन रेडियोलॉजी आप कोर्स कर सकते हैं और नेक्स्ट जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीएससी इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी कोर्स और उसके बाद जो यहाँ पे आप अपना बीएससी कोर्स कर सकते हैं मेडिकल की फील्ड में वो है बीएससी इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कोर्स और नेक्स्ट जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीएससी इन नर्सिंग कोर्स और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा लास्ट कोर्स है वो है बीएससी इन कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन कोर्स। तो इन सभी कोर्सेज को आप कर सकते हैं और अपने नीट के एग्जाम को जब आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो वहाँ पे जो आपको एक गिल्टी फील हुआ था वो गिल्टी आपको फिर फील नहीं होगा क्योंकि इन सभी कोर्सेज को करने के बाद भी जो है आप मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं इन्हीं सभी स्ट्रीम से। देन उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में और आप अपने एक उस गोल को अचीव कर सकते हैं, उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं जो आपने 12th क्लास के बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सोचा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।